तरह उछाता है मेरे चरागों को, लड़ना हवा से आता है ये देखना है। सितारों को मात कर दूंगा मैं, इस जमीन के सरों को चांद कर दूंगा, ये देखना है। क्यों भाई, ये हसन खां का एक खत इतना भारी हो गया कि उसे दो दो कासिद उठाकर लाते हैं। बंदा परवर, मैं कासिद हूँ, मैं अपनी चाल से आया हूँ, ये ऊँटनी सवार है, हम दोनों इस खत का जवाब लेकर फौरन वापस जाने के लिए आए हैं। ऊँटनी तेज चलती है ना सरकार, इसीलिए हम दोनों एक साथ यहाँ पहुँचे। क्यों, क्या इलाके पर कोई काबिज हो गया जो इतनी उजलत दिखानी पड़ी? भाई वाह, ये तो वाकई कमाल हो गया। अरे जिस फरीद खां के जलसे दस्तारबंदी में हम मेहमान खुसूसी थे, वो फरीद खां कोई और नहीं, अरे अपने हसन खां का बड़ा बेटा है। अच्छा हुजूर, मगर उसकी तालीम तो अब मुकम्मल होने को आई और हसन खां को बेटे की सुध अब आई। अरे भाई, तुम लोग ये खत लेकर कब चले हो? कहीं बाबा आदम के जमाने से तो नहीं चले हो? नहीं साहब, बस अभी चले आ रहे हैं, रास्ते में दम भी नहीं लिया। भाई भाई अमीरुद्दीन, तुम जरा भाग कर जाओ और फरीद खां को बुला कर लाओ जी। देखो वो वही मदरसे में होगा। बेहतर सर। और तुम में से एक चाहे तो वापस जा सकता है, दूसरा हमारे जवाब का इंतजार करे। क्या फरीद खान नामी लड़का इसी मस्जिद में रहता है? हाँ रहता तो है। आप कौन? मैं उसके वतन से आया हूँ। उसके रिश्तेदार हैं? चचा, मामू, अब्बू? नहीं, बस वतन से आया हूँ। यूं ही तो आए ना होंगे, कोई रिश्ता तो जरूर होगा। बोलते बहुत हो तुम। सुनो, वो लड़का जब इधर आए तो मुझे बता दे, मैं उधर खड़ा हूँ। अरे मियां, इस दुनिया में कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं है, बशर्ते आप अपना काम हिम्मत, मेहनत और ईमानदारी से करें। क्यों फरीद मियां, आपको अमीर शहर जनाब जमाल खान साहब ने फौरन तलब किया है। क्यों, खैरियत तो है? खैरियत भी है और खुशखबरी भी, आपके वालिद बुजुर्गवार का खत आया है। ये तो कोई खुशखबरी ना हुई। अच्छा आप चलिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। बेहतर। सुनो, अभी अभी जो लड़का मस्जिद से गया, कहीं वही तो फरीद नहीं है? क्या आप फरीद को नहीं पहचानते? नहीं नहीं पहचानते हैं, मगर भाई कमाल है, आप कैसे जान पहचानी है? आप कैसे उसके वतन के हैं कि आपको मुझसे पूछना पड़ रहा है कि फरीद कौन है? मैं जिसे बता दूं आप उसे फरीद मान लेंगे? अरे भाई मेरे, मेरे मालिक, मेरे आका, आप उससे मिलकर करेंगे क्या? मैं तेरा गला दबा दूंगा और मैं मर जाऊंगा बगैर अल्लाह के हुक्म के।
क्यों? मैं पागल है क्या? जब वो छोटा सा था तो घर छोड़कर यहाँ आ गया था। मैंने सोचा शायद उसकी शक्ल ना बदल गई हो, बस इसीलिए पूछा। अच्छा अच्छा, बस इतनी सी बात? हाँ बस, और क्या। अरे तो पहले बताते ना, तुम यहाँ रुको, मैं अभी आया। कहाँ जाएगा? हेलो अम्मा, हमारा कोई घर द्वार है? हम क्या कोई तुम्हारी तरह अमीर है कि मेहतरानियां और बांधियां घर की सफाई के लिए लगी है? अम्मा हमें जंगल और दरिया के किनारे से काम चलाना पड़ता है। फरीद है लगन का पक्का, देखा कितनी जल्दी पढ़ लिख लिया। और खुश नसीब भी कितना है। खुश नसीब ही कहेगी भाई, तुम तो जानते हो उसने कितने फाके किए। और अब तो अमीरे शहर के भी पैगाम आते हैं। अरे सुनो भाई, ये फरीद मियां कहाँ है? तुम कौन हो भाई? फकीर हूँ, कई पुश्त से हूँ और कई पुश्त तक फकीर ही रहूंगा। अच्छा। हाँ, और उस वक्त तक फकीर रहूंगा जब तक हाकिम ये ना समझ लें कि भूख और प्यास क्या है, और जब तक ये हमारा समाज ये न समझ ले कि इंसान का भूख से बड़ा दुश्मन और कोई नहीं, और उसे ऐसी हुकूमत की जरूरत है जो सबसे पहले गरीबी और भूख से लड़े। भाई तुम फकीर तो नहीं, तुम तो मुझे फरीद के दोस्त लगते हो, वो भी यूं ही ऑल फॉल बका करता था। भाई इस वक्त आपको फरीद की तलाश है रोटी की? अगर आपको रोटी की तलाश है तो वो हम मुहैया कर सकते हैं, और अगर आपको फरीद चाहिए तो वो आपको अमीर शहर जमाल खां की हवेली पे मिलेगा। अगर मुझे फरीद मिल जाए तो समझो रोटी मिल गई। भाई फरीद मियां, ये तो वाकई कमाल हो गया। हम आपके जलसे दस्तार बंदी के सदर, पूरा वक्त वहां मौजूद, और बार बार आपका नाम लिया जा रहा है, और हम ये ना जान सके कि आप हमारे हसन खां के सबसे बड़े बेटे हैं। अगर आप जान जाते मोहतरम तो क्या करते? अरे करते क्या भाई, जरा खुश होते तो बगैर ये जाने हुए कि मैं हसन खान साहब का बेटा हूँ। हाँ, आप खुश नहीं हुए? नहीं नहीं, क्यों नहीं, खुश हुए, बहुत खुश हुए। फिर और क्या चाहिए हुजूर? एक तालिब इल्म ने अपना फर्ज पूरा किया, उसके बुजुर्गों ने, उस्तादों ने गले लगाकर उसके सर पर दस्तार रखकर अपना फर्ज पूरा किया। बस बस कैसे बरखुरदार, ये मोहब्बत और जज्बात का मामला है, इसका हिसाब दो दो चार में नहीं होता, और अगर करोगे तो जवाब हमेशा गलत आएगा, इसलिए कि इसका जोड़ कभी दो दो पांच होता है और कभी दो और दो तीन ही रह जाता है। किसी अजनबी के सर पर दस्तार बांधी जाए या अपने किसी दोस्त के बेटे के सर पर दस्तार बांधी जाए, और या अपने बेटे के सर पर दस्तार बांधी जाए, खुशी तीनों सूरतों में होती है, मगर पैमाने अलग अलग होते हैं। तुम हमारे हसन खां के बेटे हो, यह हमारे लिए बेइंतहा खुशी की बात है। यह सबक मेरे लिए समझ पाना कुछ मुश्किल है, इसलिए कि बचपन से मां की ममता की किताब तो मैंने खूब पढ़ी है, लेकिन बाप की मोहब्बत की किताब ना पढ़ सका। यह मोहब्बत की तहरीर भी बड़ी अजीब है, ये दाएं से बाएं या बाएं से दाएं नहीं लिखी जाती, ये नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे लिखी जाती है। और जब ये मोहब्बत की तहरीर नीचे से ऊपर लिखी जाती है तो इतनी बुलंद हो जाती है कि वहां फरिश्तों के पर चलते हैं, और जब यही तहरीर ऊपर से नीचे लिखी जाती है तो वहां शैतान के कहकहे बुलंद होते हैं। और आज तुमने अपने बाप की मोहब्बत की तहरीर भी ऊपर से नीचे लिख दी। मगर ये एक तरफा मामला तो नहीं है, उन्होंने भी तो बेटे की मोहब्बत की ऐसी कोई तहरीर नहीं लिखी जिस पर फरिश्ते नाश करते। वो तब था, मगर आज वो चाहते हैं कि तुम उनके पास वापस चले जाओ। अगर मैं अपने बाप के साथ रहता तो आप मेरे सर पर ये इल्म की दस्तार बंधे नहीं देख सकते थे। हां, मैं कातिल जरूर बन चुका होता, और यही समझता कि सारी दुनिया में इंसान नहीं
सिर्फ सालिम दरिंदे रहते हैं और अल्लाह की इस बनाई दुनिया में अल्लाह की हुकूमत ही नहीं है। मैं अब बड़ी मुश्किलों से अपने जख्मों के चिराग जलाकर यह समझ सका हूं कि जब दूसरों के जख्म लगता है तो उसमें से भी लाल ही खून निकलता है। मैं अभी बहुत कुछ करना चाहता हूं, बहुत कुछ सीखना चाहता हूं, बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूं। मुझे अभी अपने बाप से दूर ही रहने दें। तो मैं यह समझ लूं कि तुम अभी अपने बाप के पास वापस जाना नहीं चाहते हो। मैं माफी चाहूंगा, अभी नहीं। अमीरुद्दीन खां जी हुजूर, हसन खां के कासिद को हमारी तरफ से उनके खत का जवाब लिखकर दे दिया जाए। उसमें लिखा जाए कि उनका बेटा फरीद खां फिलहाल उनके पास वापस जाने से इनकार करता है और वो खैरियत से है। जी। उन्हें यह भी लिख दिया जाए कि बहुत दिनों से इलाके की खबर और सरकारी मालगुजारी देने वो जौनपुर भी नहीं आए हैं। बेहतर। मुझे इजाजत है मोहतरम। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई बरखुरदार। इरादे के पक्के हो, इरादे की यही पुख्तगी इंसान को बुलंद मर्तबे तक ले जाती है। बैठो, बादाम का शरबत पीकर जाना। अमीरुद्दीन जी हुजूर, हम दोनों के लिए बादाम का शरबत और इनके लिए वापसी की सवारी का इंतजाम किया जाए। बेहतर। खाना जरा दूर जाकर बैठो भाई, सूरत देखी आईने में? फरीद से मिलेंगे भैया। अरे अरे वो, अरे अरे भाई ये क्या हो रहा है? फरीद खां साहब के लिए घोड़ा तैयार है? हाँ सरकार। बहुत अच्छे। अजीब फकीर हो भाई, तुम्हें भीख नहीं फरीद चाहिए। अरे जाओ भाई, भागो भाई, अपनी जान के पीछे क्यों पड़े हो? वो आ गया मेरा फरीद। हाँ वो आपको गले तो लगा लेगा। वो मुझे कब का गले लगा चुका। अरे फरीद कैसे, तुम यहाँ क्यों आए हो? इतनी हिम्मत कहाँ से आई? ये हिम्मत तुमने दी है मुझे। अच्छा चलो। सरकार घोड़ा तैयार है? नहीं शुक्रिया, मैं पैदल ही जाना पसंद करूंगा इनके साथ। ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और भाई सबसे अच्छी सवारी तो अल्लाह के बनाए हुए दो पांव ही हैं। चलिए चलिए। यहीं पर था वो, कहता था वो तुम्हारे वतन से आया है, तुम्हें मिलना चाहता है। मेरी माँ ने भेजा होगा, आजकल मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। नहीं नहीं, वो माँ का भेजा हुआ हरगिज नहीं था। उसके चेहरे से फिटकार बरस रही थी। अगर उसे तुम्हारी माँ ने भेजा होता तो भाग क्यों गया? और उसने मुझे ये रिश्वत क्यों दी कि मैं तुम्हें उसे पहचानवा दूं? वो तुम्हें ठीक से पहचानता भी नहीं था। मत छुओ इन्हें, ये नजस है, ये जरूर हराम की दौलत है। मेरी मां भी ऐसी हराम की कमाई को इसी तरह फेंक दिया करती थी। आजकल मुझे मेरी मां की बहुत याद आ रही है।
फरीद, फरीद, फरीद मेरे ला। क्या हुआ बड़ी बीबी? बड़ी बीबी पानी पीजिए। क्या हुआ बड़ी बीबी? क्या कोई ख्वाब देख लिया? फरीद ने यहाँ कहाँ? नहीं, नहीं गफूर, फरीद आया था, फरीद आया था। ये बड़ा सामान आ गया। जानती हो, जानती हो, जब उसने मुझे गले से लगाया तो मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। औलाद की ताकत भी क्या ताकत होती है, मुर्दा जी उठे। बड़ी बीबी, आपने यकीनन कोई ख्वाब देखा है। नहीं, उसे बातें मत करो, नहीं तो मैं वो नहीं देख पाऊंगी जो मैं देख रही हूँ। क्या कह रही थी तुम? मैंने खत लिखा है जौनपुर फरीद को बुलाने के लिए। जी हाँ बड़ी बीबी। मेरी तस्वीर मुझे दो। कौन है वहां? मैं फरीद का पहरेदार हूं। मेरे होते बुरे इरादे से कोई फरीद को छू भी नहीं सकता। ये आसमान, ये जमीन, ये दूर तक फैले हुए अंधेरे गौर से सुन लें। फरीद उजालों की जमानत है। ये फैलते हुए टुच्चे अंधेरे उसे छू भी नहीं सकते। Thank you.
भाई कुदरत का कमाल देखिए, अपना फरीद खान जो चंद साल पहले हमारी मस्जिद के सहन में भूख की वजह से गश खाकर गिर पड़ा था, जी जी, आज हमारे मदरसे में मौलिम हो गया है। माशाल्लाह, अब आज से वो वहीं रहेगा और माशाल्लाह बढ़िया खाना खाएगा। इन्नल्लाह मा साबरीन, सच है बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। बेशक तस्लीम। जीते रहो मियां, जीते रहो। अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मैं आप सब लोगों के एहसानात अपनी जिंदगी के किसी हिस्से में नहीं भूल सकता, और आपकी वो गुड़ रोटी तो मैं भूल ही नहीं सकता जो दो दिन के फाके के बाद आपने मुझे खिलाई थी। और अगर कभी मैं उस गुड़ की मिठास भूल गया तो समझिए मेरी जिंदगी की मिठास खत्म हो जाएगी। अरे मियां, क्यों कांटों में घसीट रहे हो? अरे भाई, रिस्क देने वाला तो अल्लाह है। देखो मियां, हमें चाहे भूल जाना लेकिन अपनी शादी में हमें बुलाना मत भूलना। शादी भी आप ही करवाएंगे। अच्छा, खुदा हाफिज़। फरीद, फरीद, अरे रे, तुम यहाँ कैसे हैं? इबादत कर रहा था। किसी की जान बचाना इबादत है ना? अजी, किसकी जान बचाई? अपनी। अच्छा भाई, अपनी जान तो सभी बचाते, ऐसा क्या कमाल किया है? अच्छा, मैं अब जा रहा हूं, अब से मदरसे में रहूंगा, लेकिन तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। अपने अच्छे और बुरे वक्त दोनों में, अच्छे वक्त में इसलिए क्योंकि जब तुम्हारे साथ मैं अपनी खुशियां बांटूंगा तो तुम्हें भी खुशी होगी और साथ ही मेरी खुशियां भी दुगनी हो जाएंगी, और बुरे वक्त में इसलिए क्योंकि मेरा वक्त चाहे लाख बुरा हो लेकिन तुम जैसा बुरा नहीं हो सकता। शेख सादी ने अपने गुलिस्तान में लिखा है, एक दफा उनके पास जूते नहीं थे, ना ही जूते खरीदने के दाम। एक दिन वो अल्लाह से शिकायत करते हुए मस्जिद में दाखिल हुए और वहां उन्होंने एक ऐसा आदमी देखा जिसके पास पांव ही नहीं थे। अल्लाह, उन्होंने अपने खुदा का शुक्र मनाया, या मेरे मौला, मेरे पास जूते ना सही लेकिन पांव तो है। और मेरे पास पांव भी नहीं। क्या कहते हो? सच, कहां है मेरे पास वो ख्वाबों के पांव जिन पर मैं खड़ा हो सकूं और उन ख्वाबों के सहारे अपनी खुशियों तक पहुंच सकूं। मगर तुम्हारे लिए वो खुशियां लाई जा सकती हैं। क्या ये काम मुश्किल है? काश खुदा मुझे ये तौफीक दे। तुम मेरी ये लाठी ले लो, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। शायद तुम्हें मुझसे ज्यादा हो, मुझे ऐसा लगेगा जैसे हर वक्त मैं तुम्हारे साथ हूं। मगर तुम मुझे कीमती लाठी क्यों देना चाहते हो? और क्या है मेरे पास जो तुम्हारे बुरे वक्त में काम आए? और फिर ये उस खाने से तो कीमती नहीं जो तुमने अपनी भूख की परवाह ना करके मुझे दे दिया था। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा। मेरे फरीद, खुदा खुदा। जंगल वाला रास्ता छोटा है मगर उधर से मत जाना। अल्लाह हर जगह है भाई।
को समझना है मशगला मेरा, किसी के पास कहां ऐसा हौसला मेरा, ये देखना है कोई किस तरह बुझाता है मेरे चराग।